लोगों की व्यस्तता थोड़ी इधर उधर हो जाती है। जी नहीं सर, हम लोग स्टार्ट करें। और रमा मैम, थैंक यू, जुड़ गई हैं आप। और स्नेहा द्विवेदी हैं स्टूडेंट्स में, हम लोग सर बस दो लोग पर्याप्त हैं, मीटिंग कर लेंगे। जी सर, शुरू किया जाए प्लीज। जी सर, सभी को नमस्कार।
सर दो ही लोग जुड़ पाए हैं, हमारे साथ हमारे मेंबर हैं प्रमुख कोई कोई बात नहीं सर, कोई मैडम बात जी और स्नेहा द्विवेदी। कोई बात नहीं सर, कोई बात ये मीटिंग प्री शेड्यूल नहीं थी मनीष सर है सर? प्री शेड्यूल नहीं थी क्या ये मीटिंग? नहीं सर, पहले से ही शेड्यूल है ये कि हम अच्छा लोगों को क्वार्टर का लेना। मैंने दो तीन बार उस भेजा है आपको मेल और मैसेज भी इसीलिए, और आप मेरी तरफ से टीम का आदमी बात भी आप लोगों से कर रहा था। हाँ 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 याद आया सर, सॉरी। हाँ, तो उसमें वो क्या है पुलिस कि सर का फोन आया सर। आप लोगों ने जो असल में बहुत सारे काम चल रहे हैं ना, MIC के ही बहुत सारे चल रहे हैं, तो आप लोगों ने जी जो अब तक काम किया उसी की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों को समझना जानना है। तो जी आप बताइए कि मतलब क्या आपने किया और क्या आपको अभी तक चैलेंज फेस आ रहा है या क्या करना है? जी सर, इसी सेशन का या जो नया 4.0 से पूछ रहे हैं सर, या पिछला भी जो किया है वो भी हम सिर्फ रिपोर्ट फोर पॉइंट जीरो सिर्फ 4.0 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर का काम होना है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर को मर्ज कर दिया गया है, जी लेकिन उसमें जी भी फर्स्ट क्वार्टर में अगर कुछ काम किया हो तो बता दीजिए क्या क्या हाँ, किया फर्स्ट गया है। क्वार्टर में सर जो है एक 29 सितंबर को हम लोगों ने मतलब कॉमर्स फैकल्टी जगह तारण की और एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था सर। सेवी के गेस्ट स्पीकर थे प्रोग्राम के, मिस्टर अमित गुप्ता, उनके कोलेबोरेशन में सेवी के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज, इसको लेकर के। और उसके बाद सर एक जो सेलिब्रेशन एक्टिविटी सर इस बार 4.0 में दी गई है, उसका 11 नवंबर को हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन डे किया था। उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स में एक टॉपिक रखा गया था सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग एजुकेशनिस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर एक थी डॉक्टर सुनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वो रिसोर्स पर्सन थे सर। और सेलिब्रेशन एक्टिविटी इसके अलावा सर 12 नवंबर को पर्ल अकेडमी एक हमारे यहाँ है सर, उसके साथ कोलेबोरेशन में और कॉमर्स फैकल्टी से जुड़ करके हम लोगों ने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन मीडिया एंड सिनेमा इस पर प्रोग्राम किया था। और इसमें हम लोगों ने बुलाया था मिस्टर विवेक वासवानी जी, डीन ऑफ स्कूल ऑफ कंटेम्प्रेरी मीडिया है, एक्टर राइटर ये प्रोड्यूसर। मतलब आपने सब सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज करवाई हैं? ये सेल्फ ड्रिवन में है सर, तो एक्टिविटीज और दो एक्टिविटीज सर जो हमारी हैं वो MIC के थ्रू जो कैलेंडर में दी गई हैं उससे रिलेटेड हैं। एक 29 नवंबर को हुआ था GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा के साथ कोलेबोरेशन में, ये वर्कशॉप थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन वर्कशॉप। इसमें वहाँ के जो IIC के मेंबर्स हैं और कन्वीनर थे 5 लोग थे, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र कुमार आस्था, प्रियंका दत्ता एंड अवधेश त्यागी, इन लोगों का एक लेक्चर हुआ था सर, लगभग 1.5 घंटे का एक प्रोग्राम था 29 नवंबर को। और दूसरा 30 नवंबर को फिर हुआ था सर टीचिंग इवेंट्स फॉर आइडियाज स्काउटेड एंड लिंकेज विद इनोवेशन एम्बेसडर्स फॉर मेंटरिंग सपोर्ट। तो ये दो प्रोग्राम सर अभी तक हो पाए हैं और दो सेलिब्रेशन एक्टिविटीज 4.0 से अभी तक हुई हैं, जिसमें से एक नेशनल एजुकेशन डे जो आपको हमने इन्फॉर्म किया और एक 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जो ये दो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं सर आजादी के अमृत महोत्सव में। और मतलब सेकंड उसमें सर जो मर्ज हुआ है जी IIC का जो शेड्यूल देखें उसके हिसाब से तो कम से कम मुझे लगता है इन दोनों क्वार्टर में 20 प्रोग्राम के करीब आ चुके हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में करके इसको फरवरी लास्ट तक का समय दिया गया है जी 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 हमने सर शेड्यूल किया है अभी, हर हफ्ते में 2-3 कर दीजिएगा। और ओवरऑल क्या रहेगा कि आपने जितना कर लिया है वो और जो करने वाले हैं वो, उसका एक चार्ट बना के साइन करके वो रिपोर्ट भी भेज दीजिएगा तो हम अपने थ्रू पोर्टल पे जमा करेंगे कि मीटिंग हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ ना। इसका एक मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बना लीजिएगा कि हम लोग इतने सारे लोग अवेलेबल थे इसमें और ये चीजों पे बात हुई और हमने ये प्रोग्राम किया था और ये प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, फरवरी के फर्स्ट वीक से ही हम प्रोग्राम शेड्यूल किया है सर हमने, क्योंकि अभी हमने आपको पिछले वीक में बताया था फैकल्टी जो है सब की सब इन्वॉल्व है सर, एडमिशन चल रहा था उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हुआ और इस समय कोविड के दौरान जो है इसीलिए आप उसको हो गया प्योरली ऑनलाइन मोड में रखिए और टाइम अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देखिए, कोई जरूरत नहीं, जब आपको लगता हो 1 घंटे का सेशन आराम से कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर और किसी मेंबर को कराते सर मिनट्स बना करके सर, और जो प्रोग्राम्स हो गए हैं और जो करने हैं
का एक वो हम देख सकते थे। एक चार्ट बना के हमको भेज दीजिएगा जी साइन करके ड्यूली आपका या आपके कमेटी मेंबर का, तो उसको हम अपने साथ जमा करा देंगे, मेल कर तो दीजिएगा उसमें सीधा। सेल्फ, बिल्कुल सर, सेल्फ ड्रिवन एक्टिविटीज प्रपोज तो है नहीं सर, अगर इस तरह से अगर हो नहीं, जाएगा तो बाद में ऐड किया जा सकता है। वो बाद में ऐड किया जाएगा, अभी तक जो आप कर चुके हैं उनके बारे में बताइएगा कि एमआईसी सेल्फ ड्रिवन क्या क्या किया और आगे क्या करेंगे। बिल्कुल सर। और कोई मेंबर कुछ कहना चाहता है? डॉक्टर रमा मैम है, स्नेहा जी हैं। जी जी बताइए मैम, अगर आपका कोई सुझाव। जी नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमने आपका ओरिएंटेशन सेशन अटेंड किया, जो भी आप लोगों ने आउटलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी और चीजें प्लान कर रहे हैं सर। हम लोग अनुराग सर के साथ मिल करके उसको अपना जो ड्राफ्ट है वो बना करके फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है और डिपार्टमेंट्स को भेज रहे हैं कि जो आईआईसी में जो स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वो अगर कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, कि एक पहले जो एम्बेसडर्स अपने यहाँ है, 6 लोगों ने इनोवेशन एम्बेसडर का बेसिक वाला प्रोग्राम किया था, उनके साथ मिलकर एक इंट्रोडक्टरी हम एक दिन कर लें और फिर उसके बाद जो बची हुई एक्टिविटी जो ये जैसा हमने आपको बताया था, तो आपके यहाँ से ये हमने हमको भी लगा कि नहीं हम इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो एक ये ग्रुप जैसे ही बन जाता है सर तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि हम लिंक भेजते हैं, कुछ स्टूडेंट जुड़ते हैं बाकी छोड़ देते हैं, फिर उनको हर डिपार्टमेंट से ना, हर डिपार्टमेंट से एक या दो लड़के या लड़की को वॉलंटियर बना लीजिए जी, उसको एमआईसी के उसमें सर ग्रुप में तो बनाना जरूरी है सर, टीम तो बनी ही हुई है उस पर, उसमें भी जो स्टूडेंट्स उन लोगों ने मेंबर्स दिए हैं वो भी नहीं जुड़ते हैं सर। नहीं तो, कम से कम उनको तो जुड़ना चाहिए हर प्रोग्राम में। माई काउंसिल अगर कंप्लीट करनी है तो वो स्टूडेंट मेंबर्स तो लेने ही होते हैं सर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फिर से एक बार जो जुड़े हैं वो तो ठीक है उनको भी बुलाते हैं और एक नए स्टूडेंट्स को हर डिपार्टमेंट से दो दो तीन तीन जो भी इंटरेस्टेड हो उनको जोड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो फरवरी में हम एक्टिविटी शुरू करते हैं सर और इसकी रिपोर्ट आपको भेजते हैं जल्दी। हाँ आज या कल में इसकी रिपोर्ट भेज दीजिएगा, है ना? ठीक है जी। मुझे लगता है इतना सफिशियंट है आज के लिए जी, हम अभी ओरिएंटेशन भी देख रहे हैं इसी के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर।